Hey guys, welcome to Ahir Log। और आज के इस वीडियो में ऐप बार को कैसे हम कस्टमाइज कर सकते हैं उसको देखेंगे। तो ये फ्लटर का सीरीज चला है, तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो ऐप बटन को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने ऐप बार के बेसिक्स के बारे में देखा था और कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखा हुआ था, और इस वीडियो में बाकी के प्रॉपर्टीज को यूज करके कैसे हम ऐप बार को कस्टमाइज कर सकते हैं उसको देखने वाले हैं। तो ये हमारा कोड है, यहाँ पे हम बॉडी के अंदर सेंटर विजिट को लिए हैं और उसके अंदर उसका चाइल्ड कंटेनर है और कंटेनर के अंदर एक टेक्स्ट विजिट है और ऊपर हमने स्कैफोल्ड के अंदर एक ऐप बार लिया हुआ है। तो अगर इस कोड को रन करते तो हमको कुछ इस तरह से हमारा एप्लीकेशन दिखता है, जहाँ पे बॉडी दिख रहा है और ऊपर ऐप बार है। ऐप बार में फ़िलहाल कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब फर्स्ट हम देखेंगे कैसे इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आएंगे ऐप बार के अंदर और इसमें हमको एक प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ेगा, बैकग्राउंड कलर। अब इसमें हमको कलर्स यूज़ करना है, डॉट हम यहाँ पे कोई भी कलर दे सकते हैं। तो फिलहाल इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू आता है, तो इसको हम कर देते हैं लाइम। अब इसको रन करें तो यहाँ पे देखिए ऐप बार का बैकग्राउंड कलर चेंज होकर लाइम हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम इसमें एक आइकॉन ऐड करते हैं, एक्शंस आइकॉन, और इसमें हम देंगे आइकॉन्स और डॉट देके यहाँ पर देंगे मोर अंडरस्कोर वर्ड, ये आइकॉन हम यूज़ करेंगे। अब इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको हमारा आइकॉन दिख रहा है, ये वाइट कलर का है। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है और ये हमको उतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको हम एक डार्क कलर इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो इस आइकॉन का कलर कैसे चेंज करते हैं उसके लिए हम यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। अब ये प्रॉपर्टी है एक्शंस आइकॉन थीम, और यहाँ पे देना पड़ेगा आइकॉन थीम डेटा। अब इसके अंदर हमको कलर यूज़ करना है, ये है कलर, और फिर कलर्स देना है और डॉट देके हम यहाँ पे कोई भी एक डार्क कलर चूज़ कर लेते हैं। सपोज़ इसको देते हैं पर्पल दे देते हैं इसको, और इसके साथ इसके साइज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो पहले इसका कलर देख लेते हैं, तो इसको अगर रन करें तो यहाँ पर देखिए इसका कलर चेंज होकर पर्पल हो चुका है। तो इसका साइज़ बहुत छोटा है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको यहाँ पे इसके साइज़ को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसको हम कर देते हैं सपोज़ 50, कॉमा देके इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसको हम कर देते हैं सपोज़ 40 कर देते हैं इसको। तो आप इस तरह से आइकॉन के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। अब ये जो पूरा कोड है इसको हम डिलीट करते हैं। आप देखेंगे कैसे टेक्स्ट के कलर को चेंज किया जाता है। तो उसके लिए पहले हमको एक टेक्स्ट यहाँ पे टाइटल को ऐड करना है, जो कि इसका एक एलिमेंट है ऐप बार का, और इसके अंडर में हम लेंगे टेक्स्ट विजिट को, टेक्स्ट विजिट। अब इसमें हम सपोज दे देते हैं टाइटल, तो ये हो गया। अब इसको रन करें तो यहाँ पर देखिए हमको हमारा टाइटल दिख रहा है, अब ये वाइट कलर का है। अब क्योंकि हमने अपना पिछला जितना भी कोड लिखा था वो डिलीट कर दिया, यानी कि इसका बैकग्राउंड कलर का भी, तो इसीलिए यहाँ पे हमको इसका डिफ़ॉल्ट कलर दिख रहा है जो कि है ब्लू, और यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका टाइटल दिख रहा है जो कि अभी हमने सेट किया। अब इस टाइटल का हम कलर चेंज करेंगे, जो कि इसका वाइट है, इसको हम कोई दूसरा एक कलर देते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे टेक्स्ट थीम, फिर से हमको टेक्स्ट थीम यूज़ करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पर इसको मैं डिलीट करता हूँ बॉडी को, और यहाँ पर हमको हेडलाइन यूज़ करना है, हेडलाइन 6। अब ये जो हेडलाइन 6 प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं ऐप बार का टाइटल जो होता है उसके थीम को चेंज करने के लिए। अब इसमें हमको देना है टेक्सटाइल, और फिर जाके यहाँ पे हमको इसका कलर दे देना है, कलर यहाँ पे सपोज़ हम कोई एक कलर देते हैं येलो कर देते हैं इसको, रन करें इसको। तो यहाँ पर देखिए टाइटल का कलर येलो हो चुका है, लेकिन यह बहुत छोटा है, इसका साइज़ थोड़ा हम इंक्रीज़ करते हैं। अब इसके अंदर कॉमा देके एक और इसका प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, जो कि है फॉन्ट साइज़। इसका फॉन्ट साइज सपोज कर देते हैं 40 करते हैं इसको, कॉमा दे और रन करते हैं इसको। तो ये देखिए बहुत बड़ा हो चुका है, इसको कर देते हैं सपोज 30, फिर से रन करें। तो यहाँ पे देखिए ये लगभग ठीक है। अब इन सभी को डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एलिवेशन प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर देखिए टाइटल प्रॉपर्टी के बॉटम में हमको थोड़ा शैडो देखने को मिलता है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल प्रॉपर्टी के साथ आता है, लेकिन इसके शैडो को अगर हम अपने मुताबिक एडजस्ट करना चाहें तो उसके लिए हम एलिवेशन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे एलिवेशन और इसका सपोज वैल्यू देते हैं 25 कर देते हैं इसको, और रन करें। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे जो शैडो था वो थोड़ा इंक्रीज़ हो चुका है।
अब सिमिलरली इसके शेडो के कलर को भी हम चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे शेडो कलर। फिर हमको यहाँ पे कलर्स यूज़ करना पड़ेगा, डॉट दे के हम कोई कलर दे देंगे, सपोज इसको देते हैं रेड और रन करें। तो यहाँ पे देखिए इसका शेडो का जो कलर वो रेड हो चुका है। अब नेक्स्ट और दो प्रॉपर्टी को देखते हैं जो कि है टूल बार हाइट और टूल बार ऑपेसिटी। तो टूल बार हाइट को पहले देखते हैं, तो यहाँ पे इसका हाइट हम सपोज दे देते हैं 150, तो आपको समझ में आएगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसका हाइट ऐसा है, अब इसको जैसे हम रन करेंगे इसका हाइट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका हाइट इंक्रीज़ होकर 150 तक हो चुका है। अब एक और प्रॉपर्टी है टूल बार, यहाँ पे आप टेक्स्ट स्टाइल भी फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऑपेसिटी देखेंगे। तो ऑपेसिटी का वैल्यू मेनली 0 से 1 तक होता है, यानी कि इसके बीच में आपको इसका वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सपोज हम देते हैं 0.5 करते हैं इसको और रन करें। अब यहाँ पे आपको जो टूल बार ऑपेसिटी देखने को मिल रहा है 0.5, यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन ये जो ऑपेसिटी है ये आपके टूल बार के लिए नहीं है, टूल बार में जो आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं उस पे ये अप्लाई होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक टाइटल ऐड करते हैं, फिर टेक्स्ट फिजिट के अंदर एक टेक्स्ट ऐड करें, सपोज़ इसको करते हैं हेलो, रन करें। तो यहाँ पर देखिए ये जो हेलो था ये हमको थोड़ा फेडेड फॉर्म में दिख रहा है। अब जैसे हम इसको कमेंट आउट करते हैं और रन करें, तो ये देखिए ये नॉर्मल हो गया। तो कुछ इस तरह से ऑपेसिटी को आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।